हेलो गाइस, वेलकम टू रीड मंत्रा। और मैं हूँ वैशाली। जो हम 11th और 12th क्लास का चैप्टर्स केमिस्ट्री के, हम सारे चैप्टर्स कवर अप करेंगे। मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है मेरे साथ जितना कि मैं आपको पढ़ाने में करूंगी। अगर आपको कुछ भी मेरी क्लास में नहीं समझ आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ लाइक करेंगे, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो चलिए, आज हम आज की क्लास में 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले अभी जो लास्ट ईयर वाला बैच था उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब सॉलिड स्टेट आपके सिलेबस से हट चुका है, तो हम चैप्टर 1 हमारा कौन सा हो गया? सॉल्यूशंस। तो चलिए आज की क्लास में हम सॉल्यूशंस स्टार्ट करते हैं, राइट? तो आप लोगों को आइडिया होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कॉम्पोनेंट्स का। अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two or more than two components. सॉल्यूशन क्या होता है? हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आपने के लिए सबसे कॉमन एग्जांपल है, आपने लिया वाटर, ठीक है? आपने क्या लिया? वाटर लिया एक कंटेनर में, और आपने उसमें क्या ऐड किया? शुगर ऐड कर दिया। आपने क्या ऐड किया उसमें? शुगर ऐड किया। जैसे ही आपने देखा होगा, आप घर पे नींबू पानी भी बनाते हो, नींबू पानी बनाने के लिए पहले पानी में हम क्या डालते हैं? शुगर डालते हैं, है ना? शुगर को जब हम डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करते करते शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है किसमें? वाटर में। यानी कि जब आप डिसॉल्व कर लेते हो, थोड़े टाइम बाद आपको जो शुगर के पार्टिकल्स हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग अलग देखने को नहीं मिलते, दोनों यूनिफॉर्मली क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। दो या दो से ज्यादा कॉम्पोनेंट्स अगर यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। ऑलराइट? और होमोजीनियस मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक स्पून ये मिक्सचर यहां से लिया तो टेस्ट अलग आ रहा था, आपने यहां से लिया तो टेस्ट अलग आ रहा था, ऐसा तो नहीं था, है ना? तो इसमें क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसका? शुगर का और वाटर का। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? इस ऐसे मिक्सचर को ही हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कॉम्पोनेंट का। अब कॉम्पोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट भी यहां पे एक टर्म यूज हो रहा है। कंपोनेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉल्यूशन को बनाने में यूज होते हैं। समझ आ गई बात? तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। फॉर एग्जांपल शुगर एंड वाटर और कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, है ना? कॉमन सॉल्ट एंड वाटर इज अनदर एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर हो गई आपको ये बात? नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है ये हमें पता चल गया। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सॉल्यूशन में आप देख रहे हो दो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, है ना? जैसे मैंने इस वाले सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, एक तो यूज हो रहा है आपका वाटर और एक यूज हो रहा है आपका शुगर, राइट? तो जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा कंपोनेंट जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्वेंट। और जो ऐसा कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में यूज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं, राइट? अब आप मेरे से ये पूछोगे कि अगर दोनों सेम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, मतलब सॉल्यूट भी सेम क्वांटिटी में हो, वाटर भी सेम क्वांटिटी में हो, तो हम किसको सॉल्यूट लेंगे और किसको सॉल्वेंट लेंगे? तो सॉल्वेंट हम उसे लेंगे जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, राइट? तो हम लिख लेते हैं यहां पे जरा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपका मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन वो होता है जो जनरली ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी। और आपका सॉल्यूट क्या होता है? विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। एंड व्हाट इफ
बोथ दीज आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, अगर ये दोनों सेम अमाउंट में प्रेजेंट हो तो आप किसको लोगे सॉल्वेंट और किसको लोगे सॉल्यूट? सॉल्वेंट आप उसे लोगे जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा. इफ बोथ आर प्रेजेंट, इफ बोथ आर प्रेजेंट, इफ बोथ आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, equal amount, then the solvent will be taken as the one, then the solvent will be taken as the one, as the one which is present in, which is, sorry, as the one whose boiling point is less, whose boiling point is less, whose boiling point is less. समझ में आ गई ये बात आपको? सॉल्यूशन में सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बनता है, दो या दो से ज्यादा कुछ भी कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं. एक तो वो होगा जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और एक वो होगा जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा. ऐसा नहीं है शुगर की जगह कोई और भी आप सॉल्यूट ऐड कर सकते हो तो वो क्या हो जाएगा? टर्नरी सॉल्यूशन हो, क्योंकि तीन कॉम्पोनेंट से मिलकर बना है. लेकिन हम 12th क्लास के सिलेबस में सिर्फ वही सॉल्यूशन पढ़ेंगे जो कि बाइनरी होंगे. बाइनरी मतलब जिसमें दो ही कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, टू कॉम्पोनेंट्स आर इन्वॉल्व, टू कॉम्पोनेंट, जैसे कि आपका एक ही सॉल्यूट और आपका सॉल्वेंट, उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन. तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं तो उसको हम टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं. लेकिन टर्नरी सॉल्यूशन आपको 12th क्लास के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन. क्लियर हो गई आपको ये बात? आप किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कौन डिटर्मिन करता है? सॉल्यूट डिटर्मिन करेगा, सॉल्वेंट डिटर्मिन करेगा कि आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो फिजिकल स्टेट या उसकी सॉलिड होगी या फिर उसकी लिक्विड होगी या फिर उसकी गैस होगी, राइट? तो किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कौन डिटर्मिन करता है? सॉल्वेंट डिटर्मिन करता है. अब आप देखिए, जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया था, इस वाले केस में जो आपका सॉल्वेंट था दैट वॉज वाटर. सॉल्वेंट क्या था? वाटर था. और जो आपका शुगर था सॉल्यूट था. शुगर कैसा होता है? सॉलिड होता है और वाटर आपका लिक्विड होता है. तो सॉल्यूशन भी आपका लिक्विड ही बना, यानी कि सॉल्वेंट ने डिटरमिन किया किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट. तो किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कौन डिटरमिन करता है? सॉल्वेंट डिटरमिन करता है, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन. अब हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन को की कॉन्सेंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, राइट? तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज कर लीजिए. सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कॉम्पोनेंट्स का, राइट? दो कॉम्पोनेंट्स अगर किसी भी सॉल्यूशन में इन्वॉल्व है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, राइट? फिर हमने देखा कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं. अगर सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और सॉल्यूट वो होता है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. एंड वॉट इफ बोथ दीज आर प्रेजेंट इन द सेम अमाउंट, देन द सॉल्वेंट विल बी टेकन एज अ वन विच इज प्रेजेंट इन द whose boiling point is less, जिसका boiling point क्या होगा आपका? कम होगा. और किसी भी solution की physical state कौन determine करता है? physical state determine करता है आपका solvent, कि आपका solution जो है वो liquid बनेगा, वो gases बनेगा या फिर आपका solid बनेगा, right? So now we'll come to the concentration part, कि अगर आपके किसी भी solution में जितना भी solute present है वो आप कैसे express करोगे, right? तो इसे note कर लीजिए, फिर हम अपना rub करके next topic start करते हैं. कर लिया आप सब लोगों ने?